लोग जो है देखते हैं यार, ऐसे मैं निकल चुका हूँ घर से, मेरे लिए ये नाश्ता लाया है जी। मैं इधर मैन पार्क जा रहा हूँ, भारत यात्रा। मैं महासमुंद जिला से, तो इधर बनेगा अंकल जी। फिलहाल मुझे बहुत टाइम से जो है लिफ्ट नहीं मिल रहा है इस वाले रोड पे। ये है लक्ष्मण रेखा, यहाँ से चलेंगे अब हम। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए एपिसोड में। तो आपको पता है कि अभी जो है मैं पत्थल गांव में रुका हूं, और यहां से जो है मैं जाऊंगा सीतापुर, और सीतापुर से मैं जाऊंगा मैन पार्ट। तो मैन पार्ट में जो है रुकने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन देखता हूं क्या होता है, क्योंकि वो जो है पूरा जंगली एरिया है और रहने के लिए व्यवस्था हो पाता या फिर नहीं वहाँ पर जाकर पता चलेगा। और मैन पार्ट से जो है मैं जाऊँगा अंबिकापुर। फिलहाल तो अभी मैं अंकल के यहाँ रुका था इस वाले कमरे में, ये देखो यहाँ पर सोया था मैं, बेड लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ के जो अंकल हैं ये बहुत अच्छे हैं भाई, और अभी खाना बना रहे हैं। खाना खाकर जो है मैं 9:30 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा पत्थल गाँव से, इसके बाद जो है सीतापुर जाऊँगा। तो गाइस अभी जो है खाना आ चुका है और खाना खाऊँगा मैं, ये देखो। और आंटी जो है अभी खाना लाए हैं। अभी यहाँ से जो है मैं निकल रहा हूँ, और अंकल जी अभी नहाए हैं। ठीक है अंकल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक, बहुत बहुत आपको भी अच्छा से जाइएगा और अपना पूरा यात्रा करके सही सलामत घर पहुँच जाइएगा जी। हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आप सच्ची से अच्छा से जाएगा करके, है ना। चलते हैं जी। वो यहाँ पर आंटी जी हैं, खाना खा रही है आपके, खाना खा रही हैं आंटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, मैं चलता हूँ, है ना। ठीक, बढ़िया से। हाँ ठीक है, यात्रा धन्यवाद। तो गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से रोड पर, और ये वाला रोड जाता है सीधा सीतापुर, और यहाँ पर लिफ्ट लेकर देखूँगा सीतापुर जाने के लिए। सीतापुर से जो है मैं मैन पार्ट जाऊँगा, तो एक लिफ्ट मिला है छोटा सा। चलिए, क्या नाम भैया आपका? जीथम। धन्यवाद भैया। और छोटा छोटा लिफ्ट मिल रहा है, अभी जो है 9:30 हो रहा है। तो यहाँ पर भाइयों ने जो है हमें लिफ्ट दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम आपका? जीजा। और आपका? मुकेश। मुकेश, तो चलो भाई मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो। तो अब निकलता हूँ मैं सीतापुर के लिए। लोग जो है देखते हैं यार, ऐसे मैं निकल चुका हूँ भारत यात्रा में। फिलहाल तो अभी पैदल पैदल चल रहा हूँ, देखते हैं आगे लिफ्ट मिलेगा या नहीं। वैसे तो मिल जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो मदद कर देते हैं। और मैं भारत यात्रा पे नहीं निकला था, तो काफ़ी सारे लोग थे जो मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कैसा करेगा, क्या करेगा, अकेले जा रहा है, हो पाएगा या फिर नहीं। मैं बोलता था निकलूँगा तो हो जाएगा, घर में रहोगे, देखो आप घर पर हो, और घर पर ही रह के जो है आप ये सब चीज़ें जान नहीं पाओगे। जब तक आप बाहर नहीं निकलते तब तक आप नहीं जान पाओगे। चलो देखते हैं लिफ्ट। यहाँ पर भैया जो है 3 किलोमीटर जा रहा है, तो हमें लिफ्ट मिलेंगे। चलो भैया, तो कुछ काराबेल जाना है जी, काराबेल से मैन पार्क जी। तो यहाँ पर जो है हमें अंकल ने लिफ्ट दिया था, लगभग 3-4 किलोमीटर है ना अंकल जी। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सीतापुर, और वहाँ पर जो है मैन पार्क उधर से। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गुप्ता। राधेश्याम गुप्ता, ठीक है अंकल जी, चलता हूँ, थैंक यू। चलो निकलते हैं हम लोग फिर से सीतापुर के लिए। कहाँ तक जा रहे हो भैया? कहाँ तक जा रहे हो? सरे, कितना किलोमीटर है यहाँ से? छोड़ दोगे? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो अभी भाइयों के साथ रुका हुआ हूँ, गाड़ी रिपेयरिंग करते हैं ना, यहाँ से भाइयों से जो है बातचीत करके निकल रहे हैं अभी। ठीक है भैया, धन्यवाद। भाई लोग जो है बता रहे थे यहाँ से सीतापुर जो है 10 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं। मैन पार्ट के बारे में जो है लोगों से पूछूंगा कि उधर रास्ता जो है ज़्यादा डेंजर तो नहीं है। डेंजर रहेगा तो भाई मैं सीधा अंबिकापुर चला जाऊँगा, और बोलेंगे कि डेंजर नहीं है, अकेले जा रहे हो, डेंजर पहुँच जाओगे, ऐसे बोलेंगे, तो मैं चला जाऊँगा मैन पार्ट, नहीं तो यहाँ से सीधा अंबिकापुर जाऊँगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर दुकान पर हूँ, और जो है मेरे लिए ये नाश्ता लाए हैं, ये देखो। और इधर जो है इधर लोग बैठे हुए हैं, ये देखो श्री राम फैंसी। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ अभी, तो यहाँ पर मैन पार्ट जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? यहाँ पर डेंजर है बोल रहे थे, जल्दी उधर एक मेन रोड है बोल रहे थे, मेन रोड में जाएगी
50 किलोमीटर पड़ेगा ना, सोमतरई पत्ती आएगा ना, तो गांव आएगा, ग्राम पंचायत सोमतरई, वहाँ सीधा आपको वहाँ निकालेगा, वो 15 से किलोमीटर वाला चढ़ा देगा ऊपर ये जो दुकान है ये श्री राम ड्रेसेस चिकन कटिंग। तो ठीक है यहाँ पर बैठे थे, अब मैं यहाँ से निकलूंगा। ठीक है अंकल जी, मैं यहाँ से निकलूंगा। तो सब काम करने वाले भाई जो है यहाँ पर हैं। तो एक दीदी ने जो है मेरे लिए टिफिन पकड़ा दिया, मुझे रास्ते में खा लूंगा उसे। और ऐसे पकड़ते पकड़ते भाई मेरा बैग जो है भारी होने लगा है, बहुत सारा सामान पकड़ लिया हूँ मैं। और ये जो है टीचर है अंकल जी जो है, और हमें थोड़ा लंबा लिफ्ट दिए हैं। कोई डेंजर नहीं, मेन पार्ट बहुत अच्छा जगह है, आप जाइए, बेस्ट ऑफ लक है ना। चलो अब मैं चलता हूँ मेन पार्ट के रास्ते में। ओके ओके। तो यहाँ पर जो है अंकल जी लोग मिले थे और चॉकलेट वगैरह हम लोगों को दिए। ठीक है अंकल जी, निकलता हूँ, धन्यवाद। वो अभी जो है मैं यहाँ पर सीतापुर सिटी में पहुँचा हूँ। ये जो सिटी है थोड़ा सा लंबा सिटी है, पैदल चल रहा हूँ जी। मैं इधर मेन पार्ट जा रहा हूँ जी। ये लिफ्ट भारत यात्रा पूरा, हाँ लिफ्ट लेकर, हाँ लिफ्ट और पैदल जी। मैं महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ जी, हाँ रायपुर महासमुंद। भारत यात्रा में केवल अभी छत्तीसगढ़ में हो? हाँ अभी पूरा छत्तीसगढ़ कवर करूँगा, उसके बाद पूरा भारत। खाना वाने के लिए और स्टे करने के लिए कहाँ रुक रहे हो? स्टे करने के लिए अपने पास कैंपिंग टेंट है। ओ ये वाला जो सिटी है ये खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से चल रहा हूँ मैं। सीतापुर सिटी है ये। सीतापुर आप जा रहे हो? इस भाई ने जो है हमें बहुत लंबा लिफ्ट दिया है। क्या नाम है भाई? विकास। शुक्रिया बहुत बहुत। गाइस मैं पहुंच चुका हूं अंबिकापुर। ये है अंबिकापुर, ये देखो। और इसी रास्ते मैं जाऊंगा अभी कोरबा, क्योंकि यार टाइम बहुत है अपने पास। अभी जो है लगभग 1:30 बजा है। शहर से थोड़ा सा मैं दूर जाऊंगा, इसके बाद लिफ्ट मांगूंगा। तो यहां पर जो है अंबिकापुर में धीरे धीरे पैदल चलते चलते जा रहा हूं, और आगे इधर कोरबा के रास्ते पर जा रहा हूं मैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा ना सिटी, ये जो है अंबिकापुर सिटी है। यहां पर जो है रुके हैं हम लोग अभी, और यहां पर भैया लोग जो है मिले हैं, अंकल लोग मिले हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो गाइस भैया लोग जो है यहां पर कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, यहां पर पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो चलो भैया जी के दुकान पे जो है मैंने कोल्ड ड्रिंक किया, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो कुछ बोलना चाहेंगे भैया जी? कितने हो भारत यात्रा? मैं महासमुंद जिला से। चलो फिर कहाँ से वापस हो रहे हो? मैं इधर कोरबा जाऊँगा अंकल जी। बैठो ना जी, महासमुंद से आगे है। इधर बनेगा अंकल जी। मैं इधर रायगढ़ और ये धर्मजयगढ़ सीतापुर होते हुए इधर अंबिकापुर आया हूँ। इधर से मैं कोरबा जाऊँगा और जांजगीर चांपा बिलासपुर, उसके बाद रायपुर। हमें जो है अंकल जी ने लिफ्ट दिया था, और बहुत दूर तक, बहुत दूर तक लिफ्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। चलो थैंक यू, वेलकम आपका। ठीक है धन्यवाद अंकल जी। ठीक है निकलता हूँ। तो टाइम के अभी 3 बज चुके हैं, और मैं उदयपुर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। देखता हूँ लिफ्ट मिलेगा या फिर नहीं। तो और इधर के बहुत सारे लोग जो है मेरे को बोल रहे थे कि भाई अब आप भारत यात्रा कर रहे हो, तो भारत यात्रा वाला जो है आईडी बनाकर चलो, तो भी कर लेंगे घर जाएंगे तो। इधर जो है मैं उदयपुर होकर जो है कोरबा जाऊंगा, कोरबा से जांजगीर चांपा, उसके बाद बिलासपुर, फिर उधर से मैं रायपुर जाऊंगा। चलो इधर से मैं लिफ्ट लेता हूं। और अभी जो है इधर से आया और इधर जाऊंगा मैं अभी। इधर मैं अंबिकापुर घूम चुका हूं, और अंबिकापुर से जो है अब मैं ये कोरबा वाले रोड पर हूँ, कोरबा जाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे उदयपुर तक का सफ़र करना है रात तक, तो चलो हो पाएगा या फिर नहीं देखते हैं। और ये देखो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज लिखा है, आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। वैसे मैं भारत यात्रा नहीं निकला था, तब से सोचा था कि मुझे भारत यात्रा वाला आईडी बना लेना चाहिए, लेकिन मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। अब जो है लोगों से मतलब लोग बोल रहे हैं कि आपको बनवा लेना चाहिए, तो अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ भाई अब बनवा लेना चाहिए। तो इधर से जो है मैं इधर तरफ जाऊँगा ना, तब बनवाऊँगा आईडी। और ऐसे रास्ते पर रुका हूँ और लिफ्ट मांग रहा हूँ, और
सिंगल गाड़ी नहीं आ रहा है भाई, डबल डबल आ रहे हैं सब। अभी फिलहाल मुझे बहुत टाइम से जो है लिफ्ट नहीं मिल रहा है इस वाले रोड पे। ये जो है अंबिकापुर टू कोरबा, अंबिकापुर से कोरबा वाला रोड है और पूरा सीसी रोड है, ये हाईवे रोड है, इस पर जो है लिफ्ट नहीं मिल रहा है अभी। भैया कितना किलोमीटर जा रहे हो आप? 65 10 10 10। यहाँ पर जो है भैया जी ने हमें लिफ्ट दिया था, तो अब चलते हैं हम लोग इधर उदयपुर की तरफ। तो ये वाला दुकान वाले भैया जो है बोल रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो ये खाने का सामान भैया जी दे रहे हैं हमें, तो इसको पकड़ लेते हैं हम लोग, गर्मा गर्म है। धन्यवाद भैया जी, निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ लखनपुर में, और इधर भैया ने जो है कुछ खाने को दिया मुझे, तो यहाँ से जाऊँगा उदयपुर। थैंक यू भैया। ठीक है, तो भैया ने हमें लिफ्ट दिया था, तो लिफ्ट लेकर जो है भैया जी यहाँ पर उतारे हैं। ये देख सकते हो लोकेशन, धूल ही धूल है भाई, और ये क्या चीज़ है ये यहाँ पर सड़क में पड़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर भैया जी है जो है हमें लिफ्ट दे रहे हैं उदयपुर का। तो भैया जी जो है हमें बहुत लंबा लिफ्ट दिए हैं, उदयपुर पहुँच चुके हैं यहाँ पर हम लोग। तो भैया के साथ ही आज हम रहेंगे रात। चलो भैया बताएंगे कहाँ का लोकेशन है और क्या चीज़ है इसमें, बता दो। ये एक्चुअली रामगढ़ का प्रवेश द्वार है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग यहीं से चढ़ते हैं। ये गेट कुछ लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पहले सीता बेंगरा, सीता बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और ये सरगुजा जिले में पड़ता है। तो ये है, वो ये वाला गुफा है, लक्ष्मण रेखा कौन सा, ये वाला है क्या? हाँ, ये वाला है। अच्छा, तो मतलब सीता माता यहीं पर थी? हाँ। गहरा किए होंगे क्या? हाँ, बाद में और गहरा कर दिया इसको। ये है लक्ष्मण रेखा, और जा रहे हैं हम लोग अंदर इधर गुफा के। इसकी मान्यता है किसके हाथ डालने पर, जिसका बोलते हैं कि जो भाग्यशाली होता है उसको चावल का दाना मिलता है, और जो जिसके नसीब में कुछ नहीं होता उसको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, चलो हाथ डाल के देखते हैं, और नहीं होता है तो हाथ भी नहीं घुसता है किसी का। पूरा तो खाली है, कुछ नहीं, नाखून से उसको जो मिलेगा उसको निकालिए। ऐसे इधर नीचे में ऐसे घुसा के फिर ऐसे। हाँ, उधर छोटा सा गड्ढा है। हाँ, कुछ नहीं, मुझे तो चावल का दाना है। अच्छा, चावल का दाना है। मैं दोबारा डालूँ ना? वो तो लालच होगा। छोटी-छोटी यहाँ पर जो है हम हाथ डाल के देखते हैं शायद कुछ मिलेगा, चावल वगैरह तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नाखून से फंसा के निकालना पड़ता है। अच्छा, ऊपर तरफ? हाँ, ऐसे करके ना, नीचे गड्ढा बनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो रसोई वगैरह यही है, उधर भी है। यहाँ पर एक मूर्ति है, ये क्या वाला मूर्ति है ये पता नहीं क्या। अच्छा, बहुत पुराना है ये भी। ये वाला है लक्ष्मण रेखा, और सीता माता यहीं पर रहती थी, ये देखो। क्या ये रामगढ़ बोले ना भैया? हाँ भैया, ये रामगढ़, ये रामगढ़ का गुफा, ये रामगढ़ में, और हम लोग अभी सीता बेंगरा में घुसे थे। अच्छा, सीता बेंगरा। हाँ, रामगढ़ का सीता बेंगरा, और उधर है रामगढ़। अभी जो है हम लोग गुफा से आए हैं, सीता बेंगरा गुफा से। ओ, मंदिर भी है? मंदिर ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा ना, मंदिर भी है। तो अभी हम लोग कहाँ गुफा जा रहे हैं? हम लोग थोड़ गुफे में जा रहे हैं, गुफा टाइप से। यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, ये है थोड़ गुफा, यहाँ पर
सीता माता रहती थी तो नहाने भी आती होगी यहाँ पर है ना। एक्चुअली क्या था कि पूजा पाठ करते थे ऋषि मुनि लोग पहले, तो किसी कारणवश उनके पूजा में ना कुछ विघ्न होने से ना तो हाथी नाराज हो गया। हाथी के नाराज होने से वो गुस्से से निकल गया, तो ये फोड़ते फाड़ते हुए ऐसे निकला। अच्छा, ये ऐसी मान्यता है पूर्वजों का हमारे। और ये जो है ये नदी टाइप का है,